well BSP MP Danish Ali has made a serious allegation against BJP MP Nishikant Dubey over the controversy surrounding the communal comments in the Lok Sabha by uh, Ramesh Biduri of the BJP, well, Nishikant Dubey, while condemning the comments by his party uh, colleague, also alleged that uh, Danish used caste slurs against PM Modi, which provoked Biduri to lash out at the leader from uh, the BSP. Well, responding to the allegation, Danish said the goal behind the comment by the BJP MP was to enable his physical lynching outside the house, since verbal lynching had already happened. उटरीच अगेंस्ट रिमार्क्साराए क्योंकि यह एक और विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है क्योंकि निशिकांत दुबे ने जो लिखा है मैं उन पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग करूंगा नहीं अगर जो निशिकांत दूमे ने कहा है अगर वो सही है प्रमाणित है तो उसकी वीडियो होगी उसका कुछ तो होगा ना वर्बल लिंचिंग आपने अंदर करा दी अब आप बाहर कराना चाहते हो बस इतना ही फर्क है मैंने माननीय लोकसभा के स्पीकर को कहा है मैंने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि जो चंद्रयान पर उस दिन डिस्कशन हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिस डिस्कशन को स्टार्ट किया और आपको पता है कि विधोड़ी जी की इस घटना के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी ने खुद से माफी मांगी थी सदन से और कहा था कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए वो बात खत्म हो गई थी लेकिन आफ्टर थॉट के तौर पर जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को जानबूझकर उठाने की कोशिश की मैं खुद वहां मौजूद था और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रवोक कर रहे हो रमेश बिदोड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी